हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुनाल। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या सेकेंड डाउट वीडियो 2D मोशन पे ग्राफ का क्वेश्चन है, और ये 2015 में JIPMER से क्वेश्चन है, और इसको पूछा गया है राहुल के द्वारा। ठीक है, इसको पूछा गया है राहुल के द्वारा फ्रॉम दिल्ली, इज फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग कुछ समझना चाहते हैं। ठीक है, वो समझते हैं, चलिए देखते हैं क्या है, समझते हैं उसको। ठीक है, मान लेते हैं, आप इमेजिन कीजिए, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हैं, सब चीज सही से देख पा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कोई भी चीज। समझिए, मान लिया मैं दो तीन केस लूंगा, ठीक है, उसको समझिएगा। आप सोचिए कि आप वहां पे खड़े हैं, मान लिया कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका फ्रेंड भी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और आपका फ्रेंड चलना स्टार्ट कर दिया 20 मीटर पर सेकंड की तरह से, और आप स्टेशनरी हैं, तो आपको क्या लगेगा, जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि दोस्त आगे जाएगा तो आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका दोस्त आपसे दूर जा रहा है, और आपका जो डिस्टेंस है उसका रिलेटिव पोजिशन है आपसे वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये पहला केस था। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि आप भी वहीं पे थे और आपका दोस्त भी वहीं था, दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक ही वक्त, एक ही सेकंड पर आप भी 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगे और वो भी 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। तो क्या हुआ कि दोनों का दोनों आगे बढ़ने लगा। जब दोनों का दोनों आगे बढ़ने लगा, ठीक है, तेजी से, तो फिर क्या हो रहा है कि ये दोनों बॉडी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि आपका जो डिस्टेंस है, रिलेटिव पोजीशन है आपका और आपके फ्रेंड का बीच का, वो चेंज नहीं हो रहा। आप जब उसकी तरफ देखेगा तो आपको लगेगा यार वो तो दौड़ रहा है, लेकिन आपके हिसाब से वो कहीं दूर नहीं जा रहा, आपको लगेगा कि वो तो बराबर में ही मेरे डिस्टेंस पे है। आपको ऐसा तो दिखाई देगा ही ना कि वो दौड़ रहा है, लेकिन हाँ ये नहीं लगेगा कि वो तो लगेगा कि वो वहीं पे खड़े खड़े दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपसे उसका जो डिस्टेंस है, ये जो रिलेटिव पोजीशन है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं अब आप स्टेशनरी हो गए। तो जब आप स्टेशनरी हो गए, देखिए, जब एक दूसरा चीज क्या, अगर आप 20 मीटर पर सेकंड आप भी चल रहे थे और ये भी चल रहा था, तो जब हम लोग आपको ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ किसका बनाएंगे, मान लिया ये y1 पोजीशन पे और ये y2 पोजीशन पे है, तो जब y2 माइनस y1 का ग्राफ बनाएंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या ये चेंज होगा? मैंने अभी क्या बताया कि जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों y2 y - y1, वो चेंज नहीं होता। आपका और आपके दोस्त का रिलेटिव पोजीशन जो होता है, एक दूसरे के से रिलेशन के पोजीशन होता है। माना 2 मीटर था, तो 10 घंटे बाद भी आप लोग दौड़ते रहिएगा इसी स्पीड से, तो दो ही मीटर रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि आप लोग सेम रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो ये इतना समझ में आना चाहिए आप लोग को। ठीक है, जस्ट इमेजिन इट, और नहीं हो तो करके देखिए, अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ बैठे करके देखिए। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह जाएगा टाइम के साथ, टाइम कितना भी बढ़ता रहे, जैसे टाइम यहाँ पे 0 है, फिर धीरे 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 बढ़ रहा है ना इधर जाने के बाद, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा नहीं आपका। ओके, ये बढ़ेगा नहीं, तो ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रह जाएगा, वो कुछ यूं हो जाएगा। ठीक है, टाइम वही है, ऑलरेडी डिस्टेंस जो है इतना का, अगर 2 मीटर था मान लेते हैं, तो 2 ही मीटर के पास रह गया। लेकिन लेट इट बी कि आप भी चल रहे हैं, वो भी चल रहा है, लेकिन दोनों का स्पीड थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड है। तो अब क्या महसूस होगा आप लोगों को कि ये जो डिस्टेंस है, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपका दोस्त आपके तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा y2 - y1 का, वो कुछ न्यू होगा, जो कि 10 मीटर पर सेकंड का स्लोप लेके आगे बढ़ेगा, और ये xt का जो ग्राफ होगा वो बराबर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी दिखाएगा, जो कि 10 मीटर पर सेकंड का होगा। ठीक है, कुछ न्यू दिखता है आपका ग्राफ। उसके बाद क्या होता है, मान लेते हैं कि आपका जो दोस्त है, आप स्टेशनरी हैं। ठीक है, देखिए मैं 3 केस लिया, एक में जो आपका दोस्त चल रहा था, दूसरा में आप दोनों चल रहे थे, तीसरे वाले में आप दोनों के वेलोसिटी में डिफरेंस था, सेकंड वाले में डिफरेंस नहीं था। फोर्थ केस क्या है कि आपका जो दोस्त है और आप जो है, इसके पास है एक्सेलरेशन, ठीक है, और आप हैं स्टेशनरी, 0, एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी भी है इसके पास। ठीक है, इसके पास वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी है। तो क्या होगा अगर इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन में है, यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज नहीं कर रहा, प्रमोट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इन द सेंस कि आपको लग रहा है ऐसा कि इसका एक्सेलरेशन जो है इसके वेलोसिटी को और बढ़ा रहा है, यानी एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। तो क्या होता है कि जो एक्सटी ग्राफ होता है उसमें आता है पॉजिटिव स्लोप, किस चीज में,
वेलोसिटी के केस में उसमें आता है पॉजिटिव स्लोप, उसमें निगेटिव स्लोप नहीं आता है, ठीक है। और अगर आप जीरो पे हैं तो आप लोग इसको पॉजिटिव स्लोप के रूप में देखिएगा, ठीक है। इस ढंग से ये सारा का सारा खेलता है, लेकिन मैं अभी ग्राफ इसका नहीं बना रहा, मैं अभी क्वेश्चन देखता हूँ, काफी बनाते हैं हम लोग ग्राफ को। तो क्वेश्चन कुछ यूं है, क्वेश्चन क्या है कि दो स्टोन्स को हम लोगों ने साइमल्टेनियसली थ्रो किया 240 मीटर हाई से, इनिशियल स्पीड 10 और 40 मीटर रेस्पेक्टिवली है। फाइंड द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। सेकंड कौन सा है, 40 वाला, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, 10 मीटर पर सेकेंड वाला, है कि नहीं। तो यहां पर अगर मैं जो समझ रहा हूं वही है, तो फर्स्ट स्टोन कौन सा है, 10 मीटर पर सेकेंड वाला, ओके। अब यहाँ क्या करना है, हम लोग एज्यूम करना है कि जो स्टोन है वो डू नॉट रिबाउंड आफ्टर हिटिंग, वो उछलता है। मान लिया कि जमीन है तो वो स्टोन गिरने के बाद उछलता नहीं है वापस, ठीक है, ये उछलता नहीं है। और जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से है। तो बताना है कि ये चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही होगा। मतलब दो स्टोन को यहाँ पर हम लोग ने लिया है, ठीक है, दो स्टोन को हम लोग ने यहाँ लिया है, और दो स्टोन को हम लोग 240 मीटर पर सेकेंड रफ्तार, सॉरी 240 मीटर हाइट वाले क्लिफ से हम लोग ने इसे फेंका है, एक को 40 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरे को 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से हम लोग ने इसे नीचे की ओर फेंक दिया है। अब देखिए क्या होगा, जो कि 40 मीटर पर सेकेंड रफ्तार से है ना, वो कुछ ज्यादा दूर जाके गिरेगा, ठीक है, वो कुछ ज्यादा दूर जाके गिरेगा, और 10 मीटर वाला थोड़ा कम दूर जाके गिरेगा। ये तो समझ में आ रही है आपको, क्योंकि रेंज चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, 40 मीटर पर सेकेंड वाला टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि उसको रेंज ज्यादा कवर करना है, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, इसीलिए टाइम भी इसका ज्यादा होगा। देखिए सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को दिखेगा कि ये प्योरली न्यूमेरिकल है, बट इट इज नॉट न्यूमेरिकल। वी कैन सॉल्व इट बाय जस्ट बाय सम ट्रिक्स, ठीक है, हम लोग को कोशिश भी करनी चाहिए ट्रिक से सॉल्व कर लें, अगर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, अगर एग्जामिनेशन में, तो कम से कम हमें एक न्यूमेरिकल अप्रोच लेना चाहिए। मैं अभी दोनों बताने की कोशिश करूंगा आप लोग को। तो 10 मीटर पर सेकेंड और 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 मीटर पर सेकेंड वाला जो है वो ज्यादा टाइम लेगा और 10 वाला कम टाइम लेगा। चलिए आते हैं ऑप्शंस पे, थोड़ा ट्रिक से मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले ऑप्शन में देखिए टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 12 12 12 12, यानी टोटल टाइम जो है वो 12 सेकेंड ही है, उससे कम नहीं है या उससे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 सेकेंड और दूसरा टाइमिंग क्या है, 8 8 8 सेकेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 40 मीटर पर सेकेंड वाला, 10 मीटर पर सेकेंड वाला, दोनों का जो मूवमेंट है, दोनों का जो पूरे का पूरा सफर है, यानी जब दोनों गिर जाएगा, जब दोनों का दोनों जमीन के ऊपर होगा, तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, 12 सेकेंड हो रहा होगा। अगर कोई और एक्स्ट्रा ग्राफ होता ना, तो हम लोग यहाँ पे टाइम निकालना पड़ता। क्यों निकालना पड़ता, क्योंकि मान लेते हैं किसी ग्राफ में, मान लिया यहाँ पे 12 नहीं होता, मान लिया यहाँ पे 14 होता और यहाँ पे 14 होता, दोनों पे तो 14 होता, तो हम लोग समझते कि यार इसमें 12 है, इसमें 14 है, इसमें 14 है, 12 12 14 14 हो चुके हैं, तो यानी टाइमिंग अलग अलग दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग को टाइमिंग निकालना पड़ेगा। तो 40 मीटर पर सेकेंड वाले स्टोन के लिए हम लोग को टाइमिंग निकालते, और हम लोग टाइम कैसे निकालते, इसके लिए हम लोग निकालते ऐसे y = ut - ½ gt². अब देखिए इसमें टाइम कैसे निकलता है, यहाँ पे 40 रखते हैं आप लोग, y कितना था, 240 था, y की जगह आप लोग h ले लीजिए, क्लिफ का हाइट हो गया, और ये y डायरेक्शन में ही तो है, सीधे खड़ा होता है ना ये, तो इसमें आप यहाँ पे 240 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग 240 रखते हैं, यहाँ पे 40 रखते हैं, यहाँ पे t रखते हैं, यहाँ पे -½ 10 t² रखते हैं। ये बायनोमियल इक्वेशन आता, आप लोग सॉल्व करते हैं, तो t = जो पॉजिटिव आंसर आएगा वो आएगा आपको 12 सेकेंड का, ठीक है, और निगेटिव आंसर आएगा -8 सेकंड का, उस ढंग से आप देखते हैं। तो ये हो गया 12 सेकंड का आंसर। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आता कि जो 14 सेकंड वाला ग्राफ दिया हुआ है वो तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस है ही नहीं, यहाँ पे खाली 12 सेकंड वाला ग्राफ ही दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 12 सेकंड वाले ग्राफ है उनको हमें कवर करना है, और ये सब का सब सही है। नेक्स्ट चीज, जब 10 मीटर पर सेकंड वाले के लिए चलिए देखते हैं हम लोग टाइमिंग कितना रखता है। 10 मीटर पर सेकंड वाले के लिए हम लोग को सेम इक्वेशन लिखना है, 240 = 10t - ½ g 10 square, यहां से जब बायनोमियल इक्वेशन आप निकालिएगा तो पॉजिटिव में 8 सेकेंड आएगा टाइम का आंसर। जब 8 सेकेंड आएगा, इसका मतलब आप लोगों को पता चला कि 12 सेकेंड बाद 40 वाला गिर जाएगा जमीन पर, 8 सेकेंड बाद 10 वाला गिर जाएगा जमीन पर, ठीक है, 8 सेकंड बाद 10 वाला जमीन पर होगा। तो इसका मतलब 8 सेकंड के बाद 12 सेकंड तक जो आप लोग को दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, हम लोगों को निकालना क्या था,
टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन सा है? 10 मीटर पर सेकंड वाला। अब 10 मीटर पर सेकंड वाला नीचे आ चुका है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड जमीन पर आ चुका है, लेकिन इस 8 से 12 सेकंड यानी 4 सेकंड के लिए, इसके लिए तो अभी भी ना 4 जो 40 वाला है वो तो हवा में ही है, वो तो 4 सेकंड बाद गिरने वाला है ना। तो इसके लिए कुछ देर तक जब ये हवा में था तो दोनों हवा में था, लेकिन जब ये नीचे गिर गया तो 4 सेकंड के लिए इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये हवा में है, ठीक है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये हवा में, यानी 40 वाला हवा में है। तो अब क्या होगा ग्राफ, जरा सोचिए। पहले मैंने बताया कि जब दोनों हवा में था तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम 10, दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जो दोनों का एक्सेलरेशन आपको कैंसिल आउट कर दीजिए, एक्सेलरेशन कोई मतलब नहीं बनता। इसका मतलब दोनों का स्पीड जो है वो कांस्टेंट डिग्री से वैरी कर रहा है। इसका मतलब 40 माइनस 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड से वैरी कर रहा है इसका स्पीड, रिलेटिव स्पीड हो गया ये। तो जब तक हवा में था, कब तक हवा में था दोनों? 8 सेकेंड तक दोनों हवा में है, तो 8 सेकेंड तक स्ट्रेट लाइन जाएगा। या तो 12 सेकेंड कर दिया, आंसर बी रॉन्ग हो गया, यानी ये ए बी ए सी और डी में से कोई आंसर है। अब देखते हैं आगे दूसरा वाला केस क्या है, कि सेकेंड स्टोन तो जमीन पर है, यानी 8 सेकेंड पे आके 10 मीटर पर सेकेंड वाला स्टोन यानी फर्स्ट स्टोन तो जमीन पे आ गया, लेकिन 4 सेकेंड के लिए ये वाला है मोशन में। दूसरी बात, इसके पास एक्सेलरेशन भी है, इसके पास वेलोसिटी भी है, दोनों चीज है इसके पास। तो अब ग्राफ कैसे आएगा, अब जरा समझिए। वेलोसिटी नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, जब दोनों नीचे की ओर है तो यानी कि ग्राफ का स्लोप जो होगा वो होगा आप लोग के लिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कौन सा ग्राफ का स्लोप दिख रहा है? पॉजिटिव ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप आता है, इसका जो स्लोप का जो डायरेक्शन होगा, ये स्लोप का डायरेक्शन भी कुछ यूं होगा, ठीक है, ये यूं जाएगा, ठीक है, ये है स्लोप का डायरेक्शन, इसका भी ऐसा ही है। ये दोनों नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, ये दोनों का दोनों नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, क्योंकि ये 90 डिग्री से तिरछा हो चुका है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ग्राफ का बेसिक फंडा है और कोई फंडा नहीं है। और ये वाला जो ग्राफ है ये पॉजिटिव ग्राफ है, ठीक है, ये पॉजिटिव ग्राफ है, यानी कि ग्राफ में अगर कोई हमें इस ढंग का क्वांटिटी दिखता है तो ये नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है, ओके, और इस ढंग का क्वांटिटी दिखता है तो ये पॉजिटिव स्लोप हो जाता है, ओके। तो उसी ढंग से यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, और इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, ओके। तो ये बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन था हमारे लिए, और मैंने इसको न्यूमेरिकल तरीके से भी सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया कि आप लोगों को टाइमिंग पता करना है, पहले 40 का फिर 10 का, और फिर उसका आप लोग पता कर जज कर सकते हैं कि टोटल टाइमिंग कितना है, 8 के बाद कितना आएगा। उसका प्योरली लॉजिकल है कि उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि स्लोप पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव डायरेक्शन और वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन एक साथ है क्या नहीं, यानी कि वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का दोनों पॉजिटिव स्लोप देगा जो कि ये है। लेकिन अगर डी वाला आंसर आता तब जब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता, यानी आंसर का पॉसिबिलिटी था सी या डी का, लेकिन आंसर क्या आया? सी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट बी में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ज्यादा एमबीए का वीडियो प्रोसेस करने में बहुत टाइम लेता है यूट्यूब, मैं चाहता नहीं कि ज्यादा प्रोसेस करने में टाइम ले और आप लोग को जल्दी जल्दी वीडियो मिले। सो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को ये तीनों क्वेश्चन मिलेंगे, जो तीनों क्वेश्चन रंजिता कुमार द्वारा पूछा गया है, जिमेल पूछा गया था उन्होंने 19 जुलाई को, तो दोनों का 19 जुलाई था, तो आज 23 है, 4th डे पे मिल रहा है आप लोग को वीडियो, और ये है आप लोग का ये तीनों क्वेश्चन, तो हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में अच्छे से, ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी स्मार्ट, थैंक यू।